गाइस वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। जैसे कि मॉनसून स्टार्ट हो चुका है, सो हमने डिसाइड किया था कि एक छोटी बाइक राइड के लिए जाया जाए। तो आज हम कर्नाला बर्ड सेंचुरी जा रहे हैं बाइक पर। हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, बट अच्छा मौसम हो चुका है। अभी फ़िलहाल हम जो है करंजाड़े के यहाँ से, जहाँ पे न्यू मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ से गुजर रहे हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप बारिश में जाएँ तो बहुत ही संभाल कर बाइक चलाएँ, ठीक है? ज़्यादा ओवरटेक ना करें, रफली ना चलाएँ। और एक चीज़ का ध्यान रख लेना, अगर आपके बाइक के टायर ज़्यादा पुराने हैं या ग्रिप निकल चुकी है, तो आप उन पर ध्यान दे के रिप्लेस करवा लें, या जो भी आपको ठीक लगे वैसा करवा लें। दूसरा, जहाँ पर भी पॉसिबल हो, जैसे बाइक के स्विच वगैरह, उनको कवर कर ले, ठीक है? और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा हुआ देख रहे बाइक पर, वो भी बहुत काम की चीज़ है। सो अगर मौका लगे तो आप डेफिनेटली उसे भी इंस्टॉल करवा लेना, क्योंकि बारिश के टाइम पे जो बड़ा मिरर होता है उस पर पानी आके बैठ जाता है, तो एट टाइम्स दिखता नहीं है क्लियरली। बट वो जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है उसमें पानी टिकता नहीं है, वो क्लीन हो जाता है और आपका जो है विजिबिलिटी आपके बैक साइड का बना हुआ रहता है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेनी सीज़न में फुटवेयर जो है वो एकदम अच्छा वाला पहन लेना आप। जैसे कि हम बाइक भी चला रहे तो हमें अच्छी ग्रिप चाहिए, और दूसरा हम कनाला बर्ड सेंचुरी में ट्रैकिंग करेंगे तो वहाँ पर भी हमें एकदम अच्छा फुटवेयर चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे पैर को लाइक पेन करने लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छा फुटवेयर पहनिएगा वहाँ पर जाने से पहले। रेस्ट अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गैस ये जो JNPT वाला रोड है ना, इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इसकी कंडीशन फ़िलहाल बहुत अच्छी है। यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं गैस, और यहाँ का स्पेस भी आप देख रहे हो, रोड काफ़ी स्पेशियस बना हुआ है। यहाँ पे आपको एक स्पीड, आप कॉन्स्टेंटली कोना पकड़ लो, अपना चलते जाओ। रोड की कंडीशन देख लो आप, आजू बाजू का व्यू देख लीजिए गैस। यहाँ पे आके ही आपका आधा राइड का पैसा वसूल हो जाता है। फ़िलहाल यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं होती है, सो ये आप बहुत ही इंजॉयबल रूट है, ठीक है? आप ये इस राइट में जो है आप करंजड़े हिल्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी पब्लिक मानसून में आती है। और अभी हमने जब यहाँ से क्रॉस करे तो हमने देखा कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी क्राउड आया हुआ है। तो आप ये भी एक अच्छा पॉइंट कंसीडर कर सकते हो अगर आपको मानसून में ट्रैकिंग करनी है तो। ना यहाँ से अगर हम राइट टर्न मारेंगे ना, जो आगे रोड है वो डायरेक्ट हमें अलीबाग और कनाला की बर्ड सेंचुरी और ले जाएगा। बट ऑफिशियली यहाँ से कोई राइट टर्न नहीं है, तो आपको लेफ़्ट मार के ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से आप राइट टर्न होता तो हम डायरेक्ट वो रोड को कनेक्ट कर जाते थे, अलीबाग हो गया और कर्नाला बर्ड सेंचुरी वाला। बट यहाँ से राइट टर्न ऑफिशियली है नहीं, तो आपको यहाँ से लेफ़्ट मार के जाना होगा। और एक और बात है कि ये रोड पर है ना बहुत गाड़ियों का ट्रैफिक आता है, तो आपको लेफ़्ट से राइट जाना होगा, तो ये भी आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। फ़िलहाल तो सुबह इतना है नहीं, फ़िलहाल ठीक ठाक ही है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाम के टाइम पे तो बहुत गाड़ियों का आता है। तो अभी आप लेफ़्ट से एंटर कर रहे हो और आपको राइट लेना आगे जाके, सो ये आपको सोच समझ के करना होगा। सो गाइस जैसे कि बारिश का टाइम है, मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फुटवेयर, अपने बाइक की टायर की कंडीशंस और हर चीज़ पे ध्यान रखना है। उसी तरह आपको अपने मोबाइल के लिए कवर ले लेना है, क्योंकि फिर आपको पता है रेनी सीज़न में आप मोबाइल वगैरह यूज़ करेंगे, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी बात है। गाइस अभी हम एक्सट्रीमली लेफ्ट में खड़े हुए रोड के, ज़रा सी भी जगह नहीं है, और ये बस वाले का कट देखिए, राइट में इतनी जगह होते हुए ये बस ने पूरा दबा के हमें निकला है, ठीक है? सो इसी करके आप ये रोड पर आओगे तो ध्यान रखना, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो बहुत है यहाँ पे, और आपको लेफ़्ट से राइट में जाना होता है, ताकि आप एक सर्कल आगे से लेके सर्कल क्रॉस करके वो अलीबाग करनाला बर्ड सेंचुरी वाले रोड पर एंटर कर जाए। गाइस जैसे ही आप JNPT वाला रोड छोड़ देते हो, तो आपको फिर ऐसे ख़राब पैचेस बहुत सारे मिलेंगे रास्ते पर, स्पेशली जब अलीबाग वाला जो रोड है वहाँ पर तो काफ़ी पैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पर रोड की कंडीशन ऐसे ही है। अगर ये पैचेस ठीक हो जाएँ तो आपकी राइड और अच्छी होगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मानसून के चलते ये पैचेस काफ़ी बने हुए रोड पे, और यही पैचेस के कारण बीच बीच में ट्रैफिक लग रहा था। ये तो मॉर्निंग टाइम है, बट शाम के टाइम पे हो सकता है इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाए। सो आई होप इन पेजेस पे काम जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। और गाइस आप जब बाइक चलाओगे ना मानसून में, तो ये जो टायर होते हैं ना ट्रक के, इनसे ज़रा परहेज़ रखना, आप एकदम क्लोज मत होना और एकदम गलत तरीके से टर्न मत मारना लेफ्ट साइड से, क्योंकि आपका पैर वगैरह स्लिप हुआ, आपका खड्डे में अगर बाइक गया अचानक से और बैलेंस ख़राब हुआ, तो आप डायरेक्टली टायर के नीचे गिर सकते हो। तो ये बहुत ही एक बड़ा बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न है,
सो गाइस प्लीज़ परहेज़ रखना, ठीक है, जब ऐसे हैवी व्हीकल आपके बाजू में हो तो एकदम से आप एकदम क्लोज मत हो ना, और रोड ख़राब है तो लेट द व्हीकल पास फर्स्ट, ठीक है। जहाँ पर रोड अच्छा मिल जाएगा ना, वहाँ पर आपको बहुत ही इंजॉयबल लगेगा, क्योंकि मानसून के चलते आप देखिए ग्रीनरी हो चुकी है दोनों साइड रोड के। सो ऐसे में आप बीच में बाइक चला रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो जो अच्छा पैच है, इट्स वेरी वेरी गुड, ये रूट पे आपको बहुत अच्छा लगेगा बाइक चलाने के लिए। और गाइस दूसरी बात ये है, अगर आप दूर से आ रहे हो सो आप मे बी रास्ते में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप नियर बाय से आ रहे हो और आप बिना ब्रेक लिए मतलब बाहर खाए आ सकते हो, तो कनाला के अंदर ना दो कैंटीन है जो लेडीज़ ही ऑपरेट करते हैं, और आप वहाँ पर अगर आके खाते हो ना तो आप रियली बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रेट उनके रीज़नेबल हैं, टेस्ट उनका टॉप क्लास है, क्वालिटी भी एकदम टॉप क्लास है। सो मैं 100% रिकमेंड करूँगा, अगर पॉसिबल है तो आप कनाला बर्ड सेंचुरी में जो कैंटीन है वहाँ पर आके ब्रेकफास्ट करिए, मतलब वहाँ लंच लंच की भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं। सो यस, एंड इट्स वेरी रीजनेबल रेट एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली वेरी गुड। और गैस अच्छे से इंजॉय करना है ना तो आप जल्दी आइएगा, लेट मत आइएगा, 10 से पहले पहले एटलीस्ट 10 तक तो आप यहाँ पे 9 o'clock या 10 o'clock तक पहुँच ही जाइए। अगर आप लेट आओगे तो आपको बहुत फिर जल्दी जल्दी करना होगा सब कुछ। गाइस अभी ये जो क्राउड आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, यहाँ से हमें लेफ्ट से नीचे जाना है वैसे, और ये जो क्राउड अभी ST बस से उतरा है, ठीक है, सो इसका मतलब यहाँ पे आप ST बस से भी आ सकते हो। और ये पार्किंग है बाइक की, देखिए कितने ऊपर तक आ चुकी है, क्योंकि आज संडे का दिन है तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और मानसून भी है। आई बिलीव ये बाइक पार्किंग चार्जेस के ना 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, बट ये बाइक बाहर खड़ी हुई है सब, सो आई डोंट नो अभी इसका क्या सीन है। और यहाँ पर इनके पास स्कैनर नहीं है तो आप प्लीज़ एग्जैक्ट चेंज लेके आइएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अभी नीचे पार्किंग अवेलेबल ही नहीं है, सब ऊपर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे कार पार्किंग का 195 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये। और बाकी आपको मैं वीडियोस में बताता रहूँगा आगे कि क्या डिटेल्स क्या है, जो मैं जैसे कि बताया आप जल्दी आइएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 से 10, ज़्यादा लेट ना करिएगा। गैस फ़िलहाल जो मोटो ब्लॉग है वो यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम आपको अंदर से, मैं आपको अंदर का जो भी डिटेल्स है पूरा बता दूंगा। फ़िलहाल 60 रुपीज़ पर अडल्ट टिकट है और 50 रुपीज़ बाइक पार्किंग के लेते हैं ये, और 195 आई बिलीव कार के। यहाँ पे कोई स्कैनर नहीं है इनके पास, सो आप एग्जैक्ट चेंज लेके आना। फ़िलहाल कुछ व्यूज़ देख लीजिए अंदर के, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। हमें अच्छा लगा यहाँ पे, बट आप एक फुटवेयर बहुत अच्छी तरीके अच्छा पहनना और मोबाइल के लिए कवर ले आना। ये कैंटीन के व्यूज़ हैं जहाँ पर, जिसके बारे में जिसको मैं तारीफ कर रहा था, नेचर के बीच में बहुत ही अच्छी चाय, मिसल पाव, वड़ा पाव, पोहा, आपको जो चीज़ यार इसमें देखते बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। सो होप टू सी यू अगेन गाइस इन नेक्स्ट पार्ट।